जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही है रिहा चक्रवर्ती को, तो क्या अब बंगाली फिल्म इंडस्ट्री हाथ थामने वाली है रिया का? वेल, ये बात हम सभी जानते हैं कि रिया को लास्ट 2 ईयर्स से जितनी भी लाइमलाइट गेन हुई है वो किसी पॉजिटिव रीजन की वजह से नहीं, बल्कि उनके बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के रीजन से मिली है। जहां बॉलीवुड में कुछ पर्सनालिटीज ऐसी हैं जो रिया को फुली सपोर्ट करती हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हैं रिया के काफी अगेंस्ट। तो वहीं अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिया को ऑफर हुई है एक बंगाली फिल्म जिससे होगा उनका टॉलीवुड डेब्यू। जी हाँ, लास्ट वीक था रिया का बर्थडे, जहाँ कोलकाता के वेल नोन प्रोड्यूसर राणा सरकार नजर आए रिया को बर्थडे विश करते। अब क्या ये बर्थडे विश सिर्फ एक नॉर्मल विश थी? वेल नहीं, क्योंकि सोर्सेज के अकॉर्डिंग राणा ऑलरेडी रिया के मैनेजर तक एक फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर जा चुके हैं, जिसकी डेवलपमेंट फिलहाल अर्ली स्टेज पर है। राणा ने रिसेंटली ही एक मीडिया आउटलेट से रिवील करते हुए बताया कि फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करने वाली है 2 फीमेल लीड्स पर, जहां मेनली स्टोरी फोकस करने वाली है बिट्रेयल पर, जिसके लिए रिया को ऑफर किया गया है। प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी रिया की परफॉर्मेंस देखी हुई है एंड मोर ओवर रिया स्पीक्स फ्लुएंट बंगाली, इसीलिए उन्हें ये रोल ऑफर किया गया है। वैसे तो राणा सरकार ने ये भी रिवील किया था कि रिया का करियर कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म के कारण डैमेज हो रहा है एंड रिया को मुंबई में कुछ खास ऑफर नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए वो रिया को अपनी बंगाली इंडस्ट्री में आने का इन्विटेशन दे रहे हैं। वैसे अगर राणा सरकार की बात की जाए तो वो नेशनल अवार्ड विनर है, जिन्होंने बहुत सी सुपरहिट फिल्म्स को प्रोड्यूस किया है। वैसे आपको बता दें, रिया को एक बार पहले भी टॉलीवुड में ही तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म तुनीगा तुनीगा में देखा जा चुका है। एंड अगर रिया राणा सरकार का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है तो उन्हें अब बंगाली लैंग्वेज फिल्म में देखा जाएगा। लास्ट रिया 2021 में मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म चेहरे में नजर आई थी, जहां मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड इमरान हाशमी ने भी स्टार किया था। वेल, अब क्या रिया ऑफर एक्सेप्ट करने वाली है राणा सरकार का एंड कदम रखने वाली है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, इसका हम सभी को वेट रहेगा। टिल देन, फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज़, स्टे ट्यून्ड टू बूगल।